चैनल स्मार्ट जॉब्स में तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहने वाली है। गाइस यहाँ पर कई स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ चुका था और कमेंट भी आ चुका था कि इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर वीडियो हो तो मतलब यहाँ से निकली हो वैकेंसी तो लेकर आइए, क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या होता है आप लोगों की जो है डायरेक्ट हायरिंग की जाती है और इस वैकेंसी के लिए काफी स्टूडेंट हमारे यहाँ से गए भी हैं। तो मैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कौन कौन एलिजिबल है और स्टार्टिंग की 1 मिनट में ही मैं आप लोग को सारा डेटा बता दूंगी कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है कौन नहीं है। तो गाइज इसीलिए वीडियो को जो है स्टार्टिंग में जरूर देख लिया करें, क्योंकि तुम आप लोगों अगर वीडियो को 1 मिनट तक देखते हैं तो आप लोग को कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, आप लोगों को कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग कौन एलिजिबल है कौन नहीं। तो चलिए गाइज यहाँ पर वीडियो को मैं बता देती हूँ। देखिए गाइज अगर आप इंडिया में कहीं से बिलोंग करते हैं तो ऑल इंडिया आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर अगर फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो वही अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। उनके लिए और भी वैकेंसी है जो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने कई सारी वैकेंसी डाली है एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो गाइस यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं और आईटीआई वाले, तो आईटीआई और डिप्लोमा वाले ऑनली और एलिजिबल है, बीई बीटेक यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो गाइस उनके लिए ये वैकेंसी है और ऑलमोस्ट यहाँ पर कई सारी ब्रांच एलिजिबल है, मैं आप लोग को यहाँ पर नोटिफिकेशन से बता दूंगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को पूरा चीज बता देती हूँ जिससे कि आप लोग यहाँ पर जा पाओ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस आप लोग का ये है वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। जो स्टूडेंट हमारे नहीं जानते हैं वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है तो मैं उन लोग के लिए बता दूं गाइस। वॉक इन इंटरव्यू जो है ऐसा इंटरव्यू होता है जो हमारा जहाँ पर टेस्ट हो रहा होता है उस लोकेशन पर जाना पड़ता है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी लिंक वगैरह कोई भी फिल नहीं करना है, डायरेक्ट पहुंच जाना है। फोन नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूंगी, फोन नंबर आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। और अगर आप फिर से मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, वहां पर जाकर देख लीजिए। चलिए मैं आप लोग को दोनों नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर दोनों नोटिफिकेशन दिखाने से पहले थोड़ा सुब्रोस कंपनी के बारे में जान लीजिए ये क्या करती है। तो देखिए आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन पर ये जो है एनिमेशन वीडियो चल रहा है वो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है काफी सारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। और किस तरीके का वर्क होता है गाइस जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जैसे मारुति हो गई या फिर आप लोगों की कई सारी जो मारुति सुजुकी वगैरह ये जो कार होती है, कार का एसी लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कार में एक एसी लगा होता है, उस एसी को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है गाइस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कार के लिए, कई सारी मतलब कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर जो कार होते हैं व्हीकल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर एसी का मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ जो वैकेंसी है सुब्रोस की तरफ से है, ये जो है ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए लाई गई है और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इस कंपनी के बारे में बेसिकली मैंने आप लोगों को जो बताया है वो बता ही चुकी हूँ मैं आप लोगों को, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों के लिए गाइस यहाँ आप लोगों की ट्रेनिंग की पोस्ट पर जॉब निकली है। ये आप इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्रेनिंग की पोस्ट रहेगी गाइस, लोकेशन आप लोगों की मानेश्वर रहने वाली है, सैलरी गाइस डिस्क्लोज की गई है। आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप लोगों को बता दी जाएगी, बट मैं आप लोगों को एक नॉर्मली वे में बता सकती हूँ कि इसकी सैलरी कितनी रहेगी, क्योंकि गाइस काफी सारी वैकेंसी इससे पहले भी आ चुकी है तो उनकी सैलरी ज्यादातर यहाँ पर 12,000 के करीब आप लोगों की सैलरी रहती है गाइस। तो यहाँ आप लोगों की 12,000 तक आप लोगों की सैलरी रहेगी, अगर आप इतनी जॉब में आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को सजेशन यही दूंगी गाइस कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर जॉब की ज्यादा नीड है तो आप लोग कर लीजिए, अगर ज्यादा नीड नहीं है तो आप लोग वेट कर सकते हैं, वेट करते रहिए और इंटरव्यू देते रहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा नीड है तो गाइस 1 ईयर के लिए सिर्फ स्ट्रगल कर लीजिए, 1 ईयर के बाद आपको एक साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप किसी भी बड़ी एमएनसी कंपनी में जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। साथ ही साथ गाइस अगर आपने मैकेनिकल किया है प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में या आरएसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लास्टिक वाले एलिजिबल हैं, यहाँ पर कई सारी ब्रांच हैं एलिजिबल। देखिए प्लास्टिक वाले भी एलिजिबल, लास्ट टाइम जब मैं वीडियो लेकर आई थी तो उसमें जो सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल थे, तो इसीलिए जो हमारे स्टूडेंट इस बार मतलब वैकेंसी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक वालों के लिए बहुत कम वैकेंसी आती है गाइस इस कंपनी में। अगर आप लोगों को इस बार हायर किया जा रहा है तो आप लोग जा सकते हैं। फ्रेशर स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे 19, 20, 21 वाले यहाँ पर जाएंगे।
जाएंगे ओनली ऑन 19-20-21। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना वो देख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा मेन होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट कम्प्लीट नहीं लेके जाते हैं तो यहाँ पर फिर आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा, तो वो देख लीजिए। देखिए ऑल सेमेस्टर की डिप्लोमा की मार्कशीट लेके जाना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा ही गाइस, आप लोग कॉलेज से ले ही आए होंगे, वो सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। 10th और 12th की मार्कशीट लेके जाना, साथ में आधार कार्ड लेके जाना, फोटो, और यहाँ पर जो है पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना गाइस, 10 फोटोज चाहिए। और यहाँ पर आप लोग को कॉपी चाहिए किसकी, पासबुक की, ठीक है, पासबुक की कॉपी। और उसके पास रिज्यूम आप लोग लेके जाइए और मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाने में आप लोग जो है नहीं है तो आप लोग एक काम करना, फिर ज्वाइनिंग होने के कुछ टाइम बाद आप लोग ले जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू देखिए नोट में यहाँ पर कुछ दिया गया है, नोट में ये दिया गया है आप लोग के फोन में जो है आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और उसे डाउनलोड कर लेगा अगर नहीं है तो। आरोग्य सेतु वगैरह जो है और वैक्सीनेशन आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस में आना होगा, फॉर्मल शूज, फॉर्मल ड्रेस, ओनली बॉयज स्टूडेंट एलिजिबल है। और यहाँ पर सबसे मेन बात, क्योंकि काफी स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा दिक्कत कर जाएंगे, मेन बात सुन लीजिए गाइस, सॉरी मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बताने वाली थी बट ये जो है चीज मेन स्टार्टिंग में ही मैं इसको करने वाली थी, इसका जो है नोटिफिकेशन लास्ट में दिया गया तो इसलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ओनली ऑन गवर्नमेंट कॉलेज वाले एलिजिबल है और एडेड वाले गाइस, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज होती है वो एलिजिबल है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में जो एडेड होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज से जो पॉलिटेक्निक है वो एलिजिबल नहीं है। किस डेट को यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा वो देख लीजिए गाइस, इंटरव्यू आप लोग का रहेगा 9 मई को इंटरव्यू रहेगा। और यहाँ पर देखिए टाइमिंग 8:30 बजे से लेकर 11 बजे के तक आप लोग का इंटरव्यू फिनिश हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जाना होगा। सुब्रोज लिमिटेड है और यहाँ पर देखिए प्लेट नंबर यहाँ पर आप दिए गए सेक्टर 8 IMT मानेसर गुड़गांव हरियाणा में आप लोग का यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। काफी अच्छा है, मतलब आप लोग अगर जाते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, कोई वगैरह आप लोगों को लिंक वगैरह यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं करना है। अब बात कर लेती हूँ मैं ITI वालों की, तो गाइस देख सकते हैं ये जो है सुब्रोज कंपनी की तरफ से अप्रेंटिस है गाइस, और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ ITI वालों के लिए यहाँ मानेश्वर की यहाँ पर आप लोग की लोकेशन रहेगी। देखिए मानेश्वर की दोनों की लोकेशन है और यहाँ पर सैलरी जो है आप लोग की देखिए 9,000-9,500 तक आप लोग की सैलरी रहेगी। साथ में देखिए यहाँ पर 750 अटेंडेंस अवार्ड है, और देखिए गाइस अब अटेंडेंस अवार्ड कम कर दिया, पहले थोड़ा ज्यादा था, 1000 के करीब मिलता था। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए, टर्नर, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन या PPO या फिर RAC में, ठीक है। और फ्रेशर स्टूडेंट होनी चाहिए, और आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना वो देख लीजिए फटाफट से। डॉक्यूमेंट लेके जाना है गाइस 10th और 12th की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट, आधार कार्ड लेके जाना और फोटोज लेके जाना, और साथ में मैं फिर भी बता देती हूँ एक्स्ट्रा कुछ, जैसे देखिए वेरिफिकेशन जो है आप लोग का, आप लोग आरोग्य सेतु अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, और साथ में देखिए अपना जो है फोटोकॉपी लेके जाना बैंक का, पासबुक का, और अपना जो आप लोग का कोई भी आप लोगों ने अगर पुराना जो होगा आप लोग का पास मेडिकल सर्टिफिकेट वो लेके जाना, नहीं हो तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाए तब ले जाना। साथ में देखिए आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया होगा उसका सर्टिफिकेट ले जाना। इंटरव्यू कब है वो देख लीजिए गाइस, इंटरव्यू आप लोग का रहने वाला है 9 मई को, यहाँ पर 8:30 बजे आप लोगों को पहुंच जाना है। और आप लोग का यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, एड्रेस देख लीजिए पूरा, तो यहाँ पर आप लोग का सुब्रोज लिमिटेड, प्लेट नंबर दिया गया है सेक्टर 8 IMT मानेसर गुड़गांव, तो दोनों की लोकेशन एक ही है, चाहे डिप्लोमा वाले हो चाहे ITI वाले, और दोनों सेम टाइम पर चले जाना गाइस। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर से बोल रही हूँ वॉक इन इंटरव्यू है गाइस, वॉक इन ओनली ऑन फ्रेशर एलिजिबल है और 2022 वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, तो गाइस इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देख लेना आप लोग जा रहे हैं तो उससे पहले। और चलिए मैं आप लोग को इसका जो फोन नंबर है वो भी मैं बता देती हूँ गाइस, फोन नंबर मैं कहाँ दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में क्या करना गाइस, फोन नंबर को देख के उस पर कॉल करके जा सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत होती तो कॉल करके पूछ लेना, क्योंकि आप लोग के लिए फोन नंबर होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, उस पर कॉल वगैरह करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।